प्रदीप जी हैं और जयदीप जी हैं जो अभी इसमें मौजूद नहीं है। तो हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया इस तरीके का, थोड़ा एडवेंचरस रखा हमने उस तरीके को, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा टास्क देंगे हम लोगों को, थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे उस तरीके का। हमने एक फैशन शो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जो कि सीजन 3 था। उससे पहले हम लोग गोवा में कर चुके हैं और दिल्ली में कर चुके हैं। तीसरा सीजन था हमारा नागपुर जो अभी हम लोग कम्प्लीट करके आए हैं। और जैसे कम्प्लीट किया है तो कम्प्लीट में हमारे ये दीपक जी हैं जो हमारे विनर बने हैं और ये हमारे अमित जी हैं जो रनर अप आए हुए हैं। तो ये भी अपने बारे में बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ पे क्या चीज़ें हुई, कैसे सिखाया गया, ये सब चीज़ ये अपने मुँह से खुद बताएंगे। सर वो तो ठीक है, हम जाने लगे। सर आगे आपका प्लान क्या है, मुंबई को लेके क्या प्लान है, क्या सोचा है आपने? मुंबई को लेके देखो, मुंबई में तो मैं शोज करते रहता हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ शो, इंडोनेशिया में शो कर रहा हूँ और रायपुर में मेरा इवेंट है। 20 और 21 मार्च को मेरा रायपुर में है और 15 अप्रैल को मैं इंडोनेशिया में इवेंट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे जो जीते हुए लोग हैं उनको मैं लेके जा रहा हूँ इंडोनेशिया में। आज नेशनल से इंटरनेशनल लेवल लेके जाना वही सबसे बड़ी बात होती है, तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ। सर स्टेज प्लेटफॉर्म पे लाना, लोगों को लाना काफ़ी मेहनत का। सर मैं जाना था कितना समय आपको गया ये सब वर्कआउट करने के लिए? मुझे आज 17 साल हो गए मुंबई में काम करते करते, और 17 साल से मैं ज़्यादातर लगातार शोज ही करता जा रहा हूँ। बहुत सारे मैंने शोज़ किए हैं, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट भी करते हैं हम लोग, और शो के ज़रिए जितने भी नए टैलेंटेड हैं तो अलग अलग सिटीज़ में जाके मैं नए नए टैलेंट्स को निकालता हूँ, वहाँ पर उनका टैलेंट देखता हूँ, फिर आके इनको मुंबई में उनको उतारता हूँ। सर अगर बात अपने टैलेंट की तो आप जो टैलेंट देखते तो हमारे मुंबई या महाराष्ट्र ऑल ओवर इंडिया से आप चुनते हैं, तो कितने चुनते हो कंटेस्टेंट? जैसे कि अब चुनने की बारी आती है तो हम 20 भी चुनते हैं, 40 भी चुनते हैं। टैलेंट के ऊपर होता है कि किसके अंदर कैसा टैलेंट है। कोई आता है सिंगिंग का टैलेंट आता है, जब कोई आता है एक्टिंग वाला आता है, कोई आता है मॉडलिंग के लिए, तो हम उसको उसके हिसाब से उसकी लाइन में हम लोग उसको रेफरेंस देते हैं कि आप इसके थ्रू जाओ और करेक्ट एक लाइन दिखाते हैं, ताकि क्या है वो भटके नहीं इधर से। सर अब तक आपने इतने जो शो किए तो आपके साथ टीम पर जुड़ी है, कोई एनजीओ जुड़ा है या कोई संस्था से जुड़ा है, कितने लोग आपके साथ जुड़ेगी? मेरे साथ संस्था तो मैं अभी तक किसी को जोड़ी नहीं है, बाकी मेरी खुद की एक टीम है जिसको मैंने जोड़ के रखा हुआ है। और प्लस क्या मेरे पास दिल्ली में टीम है, अलग अलग सिटीज़ में हमारी टीम है। अब नागपुर से जो है हमारे साथ में है प्रदीप जी, ये भी बिजनेस टाइकून हैं हमारे, इनके भी प्रोड्यूसर्स हैं, ये भी इनके भी सीरियल्स वगैरह आते हैं, तो और भी ऐसे लोग बहुत से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। प्रदीप जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी कुछ बताइए प्रोजेक्ट के बारे में, जो इतना अच्छा इवेंट्स होते हैं। जो दीपक जी के इवेंट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इंडिया लेवल के बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा इंडिया में जो दीपक जी ने कभी जो वो कराया हुआ था एडवेंचर, ही एडवेंचर फर्स्ट टाइम हुआ है कभी, इनका बहुत अच्छा शो हुआ है। इसके पहले मैंने इनका थाईलैंड में देखा शो हुआ है, और मैंने दीपक जी की एक चीज़ बहुत अच्छी देखा, बहुत सादे इंसान है इनके। जब भी कोई भी अपन कहीं भी सिटी में ऑडिशन लेते हैं, ये हुए हैं, कम से कम 100-100 लोग आते हैं, फिर उसमें से वो छाट के उसको अच्छे अच्छे बच्चों को लेके आते हैं। और इन्हें बहुत से जितने भी इनके मॉडल्स हैं, चाहे विनर रही है, किसी को सीरियल पे काम दिए, किसी को सॉन्ग्स वगैरह में काम दिए। अभी दीपक जी की ये अच्छाई की वजह से जुड़े हुए हैं। इनकी और एक चीज़ अच्छी है जो इन्होंने भी आपको बताया नहीं दीपक जी ने, इनका जो भी शो होता है, जो भी अगर कभी कोई शो में प्रॉफिट आए, कोई चीज़ आए, उसके जो भी पैसे हैं ये एन जी ओ में देते हैं, अपने लिए पर्सनल कभी कोई चीज़ यूज़ होते हैं, ये इनकी चीज़ की बहुत खासियत है, बहुत अच्छी चीज़। अगर बात करें तो कब से जुड़े और कितना? नहीं दीपक जी तो मैं लास्ट ईयर से, मैं 15 ईयर से जुड़ा हूँ साथ में करती हूँ, लेकिन जो शोज़ वगैरह है इनका, जो फर्स्ट शो जब से हमने स्टार्ट किया है, नहीं मतलब तब से फर्स्ट शो जो साथ में है और आगे भी लेफ्ट हैंड साथ में आएंगे। चलिए सर आप बताइए, आप विनर हो, क्या एक्सपीरियंस रहा सर के साथ में, सर के साथ में कुछ शेयर करो हमारे। जी जरूर। हाय आई एम दीपक कुमावत। सबसे पहले तो मैं इनिग्मा मैनेजमेंट वाले को, इनिग्मा पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी वजह जो है इनिग्मा की सक्सेस की, वो हमारे दीपक सर है, दीपक चतुर्वेदी सर, प्रदीप जी और जयदीप जी सर। इनको जितने भी न्यू कमर्स है, न्यू टैलेंट्स है, इनको एक बहुत ही अच्छा स्टेज देते हैं, तो इनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और ये जो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे शो किए, लेकिन ये जो पहली बार मैंने जो इस तरह एडवेंचर का शो किया है, इनिग्मा सेशन 3 हुआ था जो कि 2020 मिस्टर मिसेस 2020 जिसका मैं विनर रहा, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। इसमें बहुत सारे टास्क दिए गए थे, जो गेम्स जिसमें हमने बहुत इन्जॉय किया और बहुत कुछ सीखा भी। और हम हमारी ओर से 3 टीमें बनाई गई थी, पहली थी एवेंजर्स, दूसरी टर्मिनेटर, तीसरी ब्लैक पैंथर। तो जितने भी टास्क दिए गए थे हमने बहुत ही बखूबी उनको मेहनत से निभाया किया, और
एवेंजर्स उसमें विनर रही थी, और बस यही कहना चाहूँगा। और हमने जितने मेंबर्स थे, जितनी हमने मेहनत की, उसे भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत जो हमारे इंटरनेशनल फैशन गुरु कोरियोग्राफर है मिस्टर मयोडा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, उनको देखकर ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बस यही है कि बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट किया, अच्छे से समझाया क्या एग्जैक्टली फैशन शो है, हमको फैशन शो में बताया, ऐसे पर्टिकुलर उन्होंने मुझे गाइड किया। और दीपक हमें चतुर्वेदी थे, कुछ चतुर्वेदी इन्होंने हमें पूरा हम लोग सपोर्ट किया और बताया कि एग्जैक्टली क्या है एग्जैक्ट फैशन शो। मेरा तो ये फैशन शो फर्स्ट है और मैं ये विनर है और मैं फर्स्ट विनर हूँ। बहुत अच्छा लगा ये शो में, और जगह भी ऐसी इतनी ठंडी थी, इतना अच्छा एडवेंचर शो था ना, बहुत मज़ा आया उधर। नए फ्रेंड्स बने, नए गेम्स खेले हम लोग, खाना भी इतना अच्छा था कि इतना वेल ऑर्गेनाइज था पूरा। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इनके साथ, पर मेरे को ऐसा लगा कि अभी मैं इनके साथ और आगे करूँ और मैं कुछ काम करूँ या कुछ और शो करूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत दोनों डाउन टू अर्थ सर। मैं अगर कहूँ तो मैंने इस तरह के इंसान अभी तक नहीं देखे, इतने डाउन टू अर्थ, इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार देते हमें, हर जगह हमें सपोर्ट करते हैं, और इतनी मोटिवेशनल बातें, इतना कुछ सिखाते हैं, इतना हेल्प करते हैं। मैंने इतने शो किए लेकिन अभी तक ऐसा मैंने देखा नहीं है कहीं पर भी, इतना मुझे हेल्प नहीं मिला ना सपोर्ट मिला है। मैं वहाँ पर नागपुर फाइनल हुआ था, वहाँ पर 2-3 दिन रहा भी, लेकिन कभी लगा नहीं कि मैं घर से इतना दूर हूँ, मुझे लगा जैसे मैं फैमिली मेम्बर के साथ रह रहा हूँ। तो इसके लिए दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अब इनिग्मा टीम से जुड़ चुका हूँ और इसके आगे आने वाले शो में भी मैं पार्टिसिपेट ले रहा हूँ, जो अगला शो हमारा इंडोनेशिया में, उसके लिए अभी तैयारी चल रही है। अच्छा, वहाँ पे मिसेस भी थी, उम्मीद भी थी, कैसा रैपो रहा उनके साथ में, आप फर्स्ट टाइम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहा नहीं था कि वो मिसेस है, सब यंग लग रहे थे, सब जो लेडीज थे, जो भी फीमेल्स थे, वो भी मैरिड थे, वो सब यंग लग रहे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा उनके साथ, और हम लोग का जो मेकअप मैन था, मेकअप जो था आर्टिस्ट, वो भी बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया। दीपक सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो इवेंट्स आप कर रहे हैं, तो सर मैं कुछ आपके लाइफ के बारे में जानना था, आपको कैसे फोन आया कि मुझे ये प्लेटफॉर्म पर जाना है और लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाना है, कैसे आपको मन में विचार आया कि मुझे ये चीज़ ही करना है? चीज़ें बचपन से हम चीज़ें देखा करते थे, जाते थे शोज वगैरह में, तो बच्चों के टैलेंट देखा करता था, बहुत छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, टैलेंट होता था, फिर उनकी कहानियाँ सुनता था, बाहर जाता था तब भी कि हम लोग को बॉम्बे में बुलाते हैं, ऐसे ही दूध लिया जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, चीज़ें हमने बहुत जनों से सुनी थी, क्यों ना हम यही चीज़ चालू करते हैं, ऐसे ही बच्चों का टैलेंट जो उसको आगे निकालते हैं। मुंबई में तो हम रहते ही, क्यों ना मुंबई से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो हमने मुंबई से ही शुरुआत की, पहले छोटे छोटे इवेंटों से शुरुआत की, अब जाके मैं शोज करता हूँ जो बार बार करता हूँ। अच्छा दीपक सर, अगर बात आपने बोला कि लोगों को धोखा बहुत मिलता है इसमें, तो कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी है कि मतलब अंधविश्वास जैसा किसी ने आपके ऊपर किया हो? नहीं, मेरे साथ तो ऐसी नहीं घटना घटी, लेकिन मैं हाँ मेरे दोस्तों के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, जो जिन्होंने मैं बताया कि हमने 5,000 किसी ने हमसे मांगे, किसी ने 10,000 हमसे मांगे, बोले काम देंगे, आप इधर चले जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर बुला के भी उनको काम नहीं मिला, फिर बोलते हैं कि आर्टिस्ट कार्ड बनाओ, आर्टिस्ट कार्ड मिलने के बाद काम मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने सुनी। सवाल है आपसे कि एक राउंड ट्रॉफी वगैरह के लिए भी अंदर अंदर से ही कुछ दे दे के बोले हमको ट्रॉफी दे दो, सर आपके इवेंट में एकदम क्लियर की नीट चलता है? ये तो हमारे कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं हमारे बाजू में, अगर हमने इनसे कुछ भी डिमांड की होगी मैं, ये तो खुद ही बता देंगे। नहीं, हमारे इवेंट में कितनी चीज़ें रहती है, सारी कितने क्रिस्टल में रहती है, जो भी डीसी में रहता है, जूरी का फाइनल रहता है, उसमें जो भी बच्चों में टैलेंट है, जो भी वो चीज़ है, उसके ऊपर क्या है 0.1%, इससे दूर दूर तक कोई लेना देना चाहिए। अभी तक हमारे जितने प्रेजेंटर आने के होंगे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है enigmaemc.in, वेबसाइट है हमारी, वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, या हमारा नंबर है, या तो गूगल में कहीं पे भी एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट डालेंगे उनको पूरी डिटेल्स उनकी मिल जाएगी। बाकी पे मीडिया है हमारे साथ में, जो हमारे मीडिया पार्टनर है, उस तरीके से आपको